अस्सलामुअलैकुम, आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें जिसने नहीं किया है, थैंक यू। जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप सूजी ली है, 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे चीनी ली है। आप अपनी स्वीटनेस के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सूजी को भूनूंगी 4 से 5 मिनट। मुझे इसका अच्छा सा ब्राउन कलर चाहिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे इसको लगातार चलाती जा रही हूँ। अगर इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल जाएगी, डार्क ब्राउन जाएगी। देखिए, यहाँ पे ये अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है और ये नीचे से ब्राउन भी होनी शुरू हो गई है। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। देखिए, मैंने यहाँ पे शीरा बनाने के लिए 1 कप के करीब पानी लिया है, बल्कि ये 1.5 कप के करीब है। यहाँ पे मैं पिसी हुई इलायची ऐड कर रही हूँ और चीनी। इसका लुक अच्छा आता है। हमारे शीरा रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे घी 3 चम्मच लिया है और इसको मेल्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे सूजी ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको भून लूंगी। सर में छींटे बहुत आते हैं, तो थोड़ा एहतियात से उसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करना है। देखिए, हो रहा है। मैं यहाँ पे नट्स ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, यह अच्छे से जैसे घुटसा रहा है, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब घी ऐड करूँगी, जिसके डालने से इसमें थोड़ी सी शाइन आ जाए। देखिए, यहाँ पे हमारा हलवा डन है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। लीजिए, यहाँ पे हमारा हलवा रेडी है। आप इसे शबरात में भी बना सकते हैं और नॉर्मल डेज में भी। मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें जिसने नहीं किया है।